आईपीसी सेक्शन 37, जाने क्या होती है आईपीसी की धारा 37। हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे आईपीसी सेक्शन 37 के बारे में, इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता कानून और उनसे जुड़े प्रावधानों की जानकारी देती है और साथ ही जुर्म और उसकी सजा के बारे में भी बताती है। आईपीसी की धारा 37 में किसी एक काम को करके जुर्म करने में सहयोग देने के बारे में जानकारी दी गई है। चलिए जानते हैं कि आईपीसी की धारा 37 इस बारे में क्या बताती है। कानूनी भाषा में कहें तो जबकि कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जो भी कोई या तो अकेला या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के लिए जाने में सहयोग करता है, तो वह उस अपराध को करता है। क्या है आईपीसी? भारतीय दंड संहिता भारत में यहाँ के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा और दंड का प्रावधान करती है। आपको बता दें कि ये भारत की सेना पर लागू नहीं होती है। पहले आईपीसी जम्मू और कश्मीर में भी लागू नहीं होती थी, लेकिन धारा 370 हटने के बाद वहाँ भी आईपीसी लागू हो गई। इससे पहले वहाँ रणधीर दंड संहिता आरपीसी लागू होती थी। ब्रिटिशकालीन भारत के पहले कानून आयोग की सिफारिश पर आईपीसी 1860 में अस्तित्व में आई और इसके बाद इसे भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तौर पर 1862 में लागू किया गया था। मौजूद दंड संहिता को हम सभी भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से जानते हैं। इसका खाका लॉर्ड मेकाले ने तैयार किया था। बाद में समय समय पर इसमें कई तरह के बदलाव किए जाते रहे। इस प्रकार आज हमने आपको आईपीसी के बारे में बताया। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।